फाइटिंग की बात की जाए तो आज विश्व भर में इसके कई फॉर्म मौजूद हैं। कोई कुंग फू का दीवाना है तो किसी को मार्शल आर्ट पसंद है। ऐसे में दुनिया भर में एक से एक फाइटर भी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर खुद को साबित कर चुके हैं। आज ऐसे ही एक फाइटर की हम बात करने जा रहे हैं। इस फाइटर का नाम टोनी जा है। जानकारी के लिए बता दें कि टोनी जा कोई ऐसे वैसे फाइटर नहीं है, बल्कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट एक्शन स्टार्स में से एक हैं। टोनी जा मूल रूप से सुरीन, थाईलैंड के रहने वाले हैं। वे थाईलैंड के एक छोटे से कस्बे में पले बड़े हैं। उनका नाम पहले टाटचकोरन इरोम हुआ करता था, जिसे उन्होंने बदल कर टोनी जा रखा। टोनी को बचपन से ही जैकी चैन और ब्रूस ली की फिल्मों का बड़ा शौक था। यही से उनकी मार्शल आर्ट के लिए भी रुचि जागी। दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून ही टोनी को इस मुकाम पर ले आया है कि वे आज मार्शल आर्ट के सबसे खतरनाक फाइटर के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। टोनी जा एक एक्शन स्टार और मार्शल आर्ट फाइटर होने के साथ ही कोरियोग्राफर, स्टंटमैन और निर्देशक भी हैं। टोनी सिर्फ थाई ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की भी कई लोकप्रिय फिल्मों में काम कर चुके हैं, जैसी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 7, XXX, द रिटर्न ऑफ जेंडर केज, एमैन विल राइज, नेवर बैक डाउन आदि। टोनी जा मशहूर एक्शन स्टार जैकी चैन के साथ भी फिल्म कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वे विन डीजल, पॉल वॉकर आदि दिग्गज अभिनेता के साथ फिल्म में फाइट अथवा स्टंट करते नजर आए हैं। लोकप्रिय थाई फिल्मों बैक के अभिनेता भी टोनी जा ही हैं। बॉलीवुड के लोकप्रिय एक्शन अभिनेता टाइगर श्रॉफ भी थाईलैंड के टोनी जा के बहुत बड़े फैन हैं। वे जब भी वक्त मिलता है उनसे मिलने पहुंच जाते हैं।